So, hey guys, कैसे हो सब? मैं आपका निकु और आप देख रहे हैं निकु व्लॉग्स। गाइस 17 तारीख की मामा के लड़के की शादी है, तो जिसके लिए गाइस मम्मी 3 दिन पहले ही मामा के जा रही है। तो आज ना गाइस मम्मी को ड्रॉप करने जा रहे हैं मामा के और सारी फैमिली से मिलेंगे आज। बाकी गाइस जब से मैं दुबई से आया हूं ना, मैंने अपना और रिया का फ्लोर नहीं देखा भाई कि कितना बन गया। तो मैंने गाइस ऊपर वाला फ्लोर देखने चलते हैं कि कितना बन गया वो। गाइस ये देख लो भाई, ऊपर वाले फ्लोर का रास्ता ही बंद है, पूरा काम चल रहा है, पूरा ढक रखा है। जो जो भी आ गया गाइस, पूरा का पूरा रास्ता बंद है भाई ऊपर जाने का। तो ड्रोन भेजते हैं भाई ऊपर, एक्शन वाला ड्रोन भेजते हैं भाई ऊपर। ये देख लो गाइस, फाइनली हमारा ऊपर वाला फ्लोर। गाइस फर्श भी बन गया भाई, सीलिंग भी बन गई भाई साहब। गाइस सिर्फ लकड़ी का काम बाकी है। गाइस पूरा तैयार होने वाला है भाई, यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। फाइनली गाइस 2024 में पूरा घर बन के रेडी हो जाएगा। और गाइस 3 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था और घर बनने में गाइस बहुत दिक्कतें आई थी। गाइस सबका सपना होता है खुद का घर होना चाहिए, आपके भी सपने हैं, मेरा भी सपना था, पर गाइस रुकावटें बहुत आई, जैसे फर्नीचर का इशू, इंटीरियर का इशू, बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें आ रही थी जिसके कारण पूरा घर का काम रुका हुआ था 3 साल से। एक बार तो गाइस ऐसा हुआ, हमने टोकन मनी भी दिया था आर्किटेक्ट को, गाइस फिर उन्होंने पैसे लेने के बाद रिस्पोंड करना ही बंद कर दिया था। गाइस फिर हमने बहुत ट्राई किया कि किसी भी तरह आर्किटेक्ट से कॉन्टेक्ट हो जाए, गाइस पैसे भी वापस नहीं मिल रहे थे, काम भी नहीं था। और सबने ट्राई कर लिया था, मेरे दोस्तों ने, मैंने, मेरी फैमिली ने, सबने ट्राई किया। गाइस उनके ऑफिस भी गए थे, गाइस कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, सबने ऑप्शन छोड़ दी थी भाई कि कुछ भी नहीं होगा और काम वैसे भी अटक रहे थे बहुत सारे। गाइस मम्मी ने मेरे को आइडिया दिया कि एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख लो। गाइस फिर मैंने एक ऐप डाउनलोड किया एस्ट्रोटॉक और वहां पे मिली मेरे को एस्ट्रोलॉजर संगीता जी, जिनसे बात करके गाइस मेरी लाइफ सॉर्ट होगी। गाइस उन्होंने मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा और ये सारी चीज गाइस बताते ही वो मेरे से बोली कि आपके कहीं पैसे डूब गए या फिर आपके घर का काम रुका हुआ है क्या। गाइस ये सारी चीज सुनते ही मैं शॉक हो गया भाई, उनको कैसे पता जो चीजें गाइस मेरे दोस्तों को, हमारी फैमिली में सबको पता है, बाकी किसी को नहीं पता, तो उनको कैसे पता चल गया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही है, और फिर ये सारी चीजें बताने के बाद ना गाइस उन्होंने मेरे को 2 सॉल्यूशंस बताए और 9 दिन तक भाई कुछ स्पेशल चीजें करने को बोला, वो सारी चीज मैंने करी और फिर ना गाइस सारी चीजें सही होती चलेगी। गाइस फिर उन्होंने मेरे को 2 डेट्स बताई कि इन 2 डेट्स पे घर का काम स्टार्ट हो जाएगा, और जैसा जैसा उन्होंने बोला था ना भाई मैंने वैसा वैसा किया, और जो पहली डेट थी ना भाई उसी पे घर का काम स्टार्ट हो गया। और तुम देख लो भाई कितना स्पीड से काम चल रहा है, और 2024 के मिड तक गाइस काम पूरा हो जाएगा। गाइस मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था एस्ट्रोटॉक के साथ में, और सबकी लाइफ में गाइस कोई ना कोई दिक्कतें होती है, जैसे शादी को लेके, बिजनेस को लेके, करियर को लेके, जैसे मेरे साथ दिक्कत थी घर को लेके। तो बेस्ट चीज बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे साथ भी दिक्कत है ना तो एस्ट्रोलॉजर से मिलो और पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। गाइस एक काम करता हूँ, एस्ट्रोटॉक ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से अगर डाउनलोड करोगे ना तो पहली चैट फ्री मिलेगी मेरी लिंक से। पूरा ड्रोन ऊपर तक ले गई और भाई सारा देख लिया हमने, और सारा PS5 गेमिंग वगैरह सब ऊपर कर देंगे। गाइस फाइनली मामा के जा रहे हैं 3 दिनों के लिए, मम्मी मामा की रुकेगी 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए जा रहे हो? हाँ। तो खाना वाना कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? आप बनाओगे? मम्मी रुक जाओ। अच्छा खाना बनाता है तू? वो तो फायदे ने सिखाया था मेरे को। कोई बात नहीं। और गाइस अभी ना भाई एक सीन हो गया। गाइस मामा का घर दिल्ली में है और हमारा घर हरियाणा में है, तो बीच में बॉर्डर पड़ता है और गाइस सारे बॉर्डर सील हो रखे क्योंकि स्ट्राइक चल रही है, अभी गाड़ी आगे पहुंचानी मुश्किल है, तो अभी पता नहीं कहां कहां से रास्ता ढूंढ के जाएंगे भाई। गलियों में से लेके चलेंगे, पार जरूर करेंगे आज, चैलेंज ले लिया, पार ही करना है रास्ता। और बाकी ये देख लो गाइस, हर जगह पुलिस के बैरिकेड है, यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस होने में दिक्कत होगी। ये देख लो गाइस, देखते गाइस कहाँ से गाड़ी जाएगी हमारी, कितने सारे आर्मी वाले आ रखे हैं भाई, पूरी की पूरी आर्मी आ रखी है यहाँ पे, कोई पैदल भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, हम तो फिर भी गाड़ी लेके आए हैं, पूरा ही जाम कर रखा भाई मेन रोड। ये देख लो गाइस छिट्टू बातचीत करवा रहा भाई कहीं, ये देख लो गाइस महंगी बातचीत। शिट्टू करवा दिया काम। ये वो गेट है भाई जो सिर्फ VIP के लिए खुलता है भाई साहब, है अपनी पहुंच हर एक जगह है भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या भाई साहब? मतलब ये वो जगह है मम्मी जो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए खुलती है, VIP जगह ये, आम रास्ता नहीं है भाई साहब, पूरा पूरा शहर जाम है, कोई भी नहीं निकल पा रहा, हम निकल पा रहे हैं भाई, हो गया बॉर्डर पार। देखिए देख लो गाइस भाग भाग के गेट खोल रहे हैं भाई। गाइस बॉर्डर क्रॉस कर दिया हमने, ये देख लो गाइस ये है भाई एंड तक, ये देख लो गाइस पूरा बॉर्डर क्रॉस था ये। फाइनली गाइस हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं, पूरा बॉर्डर क्रॉस कर दिया। गाइस मैं फंस गया भाई, गाड़ी गाड़ी की छत। फाइनली गाइस फाइनली यश आ गया भाई। आप कब आए? ये बुरा नहीं मानता, ना मारता ना कुछ कर, गाईस, गाईस, बड़े बड़े भी है। चांद भी भाई साहब ईट लेके आया गाइस, चांद ईट का क्या करेगा? ये हलवाइयों को चाहिए, गाड़ी के सामने खड़ा है भाई। गाड़ी के नीचे आ जाते हैं अभी, सर के ऊपर टैच चढ़ा दी ना, भेजा तो फट जाएगा। देख लो गाइस अपन भाई शादी वाली घोड़ी आई है भाई, ये शादी की घोड़ी है, इस पे क्यों बैठ रहा है भाई? ओ भाई भाई, बाकी गाइस मेरे को ना भाई बहुत दिनों से डॉक्टर ने बुला रखा था, मेरे को ना गाइस चेकअप्स वगैरह करवाने हैं, तो अभी ना गाइस डॉक्टर के पास जा रहे हैं।
जो चेकअप कर रहे थे ना भाई, पता नहीं अजीब ही डॉक्टर थे। कह रहे भाई जो होना होगा हो जाएगा, चेकअप करवा के क्या ही कर लोगे, ये वो ऐसी बात कर रहा भाई। नॉन वेज धनिया मांग रहे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है बस ये। ये देख लो गाइस, नया खाना बना के लाई है। नेहा भी आई हुई है मामा के घर पे। गाइस जितने भी सारे मामा के बच्चे ना भाई, सारे पहले घर पे आ गए शादी के माहौल में। आज खाने मालूम मटर की सब्जी। गाइस मम्मी को तो छोड़ दिया है मामा के, जा रहा हूँ। ठीक है बाय बाय बेटा। नमस्ते बेटा। गाइस मामा जी को ढूंढ रहे थे, मामा जी भी आ गए। गुम हो गया था, मैं भी आ गया। कहाँ गए थे? शादी के कारोबार में। गाइस मामी जी भी आ गई भाई। मामी जी गाइस बहुत बड़ी फैमिली, अभी दिखाई भी नहीं है, शादी में दिखेंगे सारे। क्यों जा रहे हो? रुक जा। मोनू भाई के जा रहा हूँ। गाइस अभी भैया के घर पे आ गए। बाकी गाइस अभी खा रहे खाना। गाइस भैया जी खाना लेके आया भाई। आ जाना गाइस, आलू के परांठे बनाया भाई। सबका पेट भर गया भाई, सबने भर भर के खाया भाई। भाभी दुखी होगी बना बना के। नहीं कोई दुखी नहीं। वो लड़ाई होगी, भैया लड़ाई कर रहे हैं भाई। ये भैया के बच्चे लड़ाई कर रहे हैं भाई। वो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। ओ भाई भाई गंदी बात होगी, वो लड़ाई होगी। ओ ओ नहीं लग जाएगी उसको। गाइस अभी वापस घर पे जा रहे हैं। ओ भाई क्या करेगा यहां से तू? जाऊंगा क्या जाऊंगा? नीचे जा रहा हूं, कूद जाऊंगा मैं, कूद जाऊंगा मैं इस पे से। भाई छत पे से नहीं कूदना। गाइस जरा भाई छत से कूद रहा है जे। ये देख लो भाई छत से कूदने की प्लानिंग कर रहा है। नहीं होए। ओ भाई ओ मरना क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? वो पागल है क्या तू? चोट लग जाती, पागल है तू? पहली मंजिल से कूद गया। कुछ भी नहीं और कूद जाऊंगा इसके ऊपर से। गाइस तो पागल है भाई, पहली मंजिल से कूद गया, कह रहा दूसरी से भी कूद जाऊंगा। अभी कूद जाऊंगा? नहीं अभी नहीं। गाइस फिलहाल हम आ गए घर पे। और गाइस ये अब देखा भाई, हमने अरमान के बहुत सारे कॉल्स आ रखे हैं। गाइस अरमान बहुत डरा हुआ है, घर पे अकेला है। देख क्या आते भाई, क्या चक्कर है? कह रहा आवाज आ रही है भैया बहुत सारी। गाइस पता नहीं कहां गए भाई सारे। गाइस सारी लाइटें बंद है भाई, घर में कोई भी नहीं है क्या? लाइट जल रही है, लाइट नहीं है ब्रो, लाइट नहीं है। अरमान क्या हो गया भाई, क्या हो गया? डर क्यों रहा है, क्या हो गया? बात बता क्या हो गया भाई, बता तो दे। लाइट क्यों बंद कर रखी है? क्या हो गया अरमान? खड़ा हो तो बता, बात क्या हुई है? गाइस हमें भाई लेट हो गया, आज 12 बज गए रात के। गाइस कह रहे बाथरूम में कुछ है भाई। कोई नहीं है यहाँ पे भाई, कोई नहीं है। क्यों डर रहा? कोई नहीं है भाई। गाइस ये बता रहा भाई घर में कोई है, पता नहीं क्या, कौन है, मतलब कोई चोर लुटेरा क्या, कौन है? कोई लड़की है। अच्छा अच्छा हमारे साथ आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ आ जा, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम रहे यार, तीन चार जने हम। ऊपर चल के ऊपर है, ऊपर है भाई, रोंगटे खड़े हो गए गाइस। ये देख लो गाइस एकदम से रोंगटे खड़े हो गए गाइस सबके। तुम्हें भी दिखा है गाइस, एक लड़की थी भाई ऊपर भाग के गई। अरे रुक जा यार, रुक जा भाई, डर क्यों रहे हो यार? मेरे से भूत होते हैं भाई वो क्या? जोजो गया, जोजो जोजो मत जा, जोजो कहाँ भाग? जोजो मत जा, मैं भी यहाँ खड़ी थी भाई, मैं भी यहाँ थी भाई, यहीं पे गायब होगी भाई। मेरे पापा सो रहे होंगे, रुक जा। गायब गायब भाई, अभी तो यहीं पे थी भैया। और क्या अरमान भी कहाँ है? अरमान कहाँ है? क्या हो रहा है? रिया यार ये तो प्रैंक कर रही है रिया, तू यार ये क्या बात हुई? अजय अरे प्रैंक था भाई, प्रैंक था ये। ओ अरे प्रैंक था भाई, देख दे उसको उठा के लेके चल जल्दी उसको। रिया पागल है क्या, बेहोश हो गया, प्रैंक कर रहे हो यार तुम इतनी रात को यार, उठा के चल उसको जल्दी। अरे हम तो वैसे कर रहे थे क्या, पता था दिखाना तो दिक्कत हो गया जल्दी ले उसको। यार ये क्या बात हुई यार, इतनी रात को तुम प्रैंक कर रहे हो क्या यार? प्रैंक क्यों कर रहे हो इतनी रात को यार, क्या है यार, क्या है यार? लाइट जलाओ। गाइस इन्होंने बिजली के सर्किट भी काट दिए थे भाई, पानी पिलाई। अजय क्या हो गया भाई? यार ज्यादा डर गया यार ये, खड़ा हो खड़ा हो। नहीं गायब हो रही थी भाई, तू गायब कैसे हो रही थी?
मैं बताऊंगा तेरा स्वाद कैसे आया करे। मैं असली में दिखाऊंगा तेरे को सीन क्या होता है। पर ये देख लो भाई, जो कुछ देख रहा है भाई, गाइस कुछ दिख तो नहीं रहा जो को सच में। कोई भी नहीं खड़ा वहाँ पे, फिर भी देख रहा है जो भाई। बाकी गाइस अभी रात के 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग और फिलहाल वीडियो को हिपेंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।